अच्छा हाय तो कर दे कर। हाय Hi friends, we are going to Statue of Unity in Gujarat. तो चलो चलते हैं, आपको सब कुछ दिखाएंगे, क्या है वहाँ, कैसा है, अगर वहाँ रिकॉर्ड करने का परमिशन मिली तो हम आपको दिखाएंगे. चलो चलते हैं, let's start it. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए और अभी बज रहे हैं दोपहर के दो बजे हम लोग निकले हैं. और अब आप सोच रहे होंगे इतनी दोपहर में क्यों निकल रहे हैं, दिन में भी तो जा सकते थे, नहीं तो फिर नाइट हो जाएगी. ओके, क्योंकि वहाँ नाइट का भी जो शो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो आप पूरा वहाँ का, अगर आपको वीडियो देखना हो, पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हो, सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए. और ये मेरे हस्बैंड भी आए थे मुझको छोड़ने यहाँ पर वडोदरा. मैं मायके आई हूँ. और ये मेरी मम्मी है, ये मेरी भतीजी हेनल है, और ये है मेरी सिस्टर अमीशा. और पीछे गाड़ी में फादर बैठे हैं, मेरे पापा बैठे हैं, उनके साथ श्रेय खेल रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है. और ये मेरा भतीजा है अतुल, और उनके साइड में जो बैठे हैं लाइनिंग कपड़ों में, वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं. तो हम सभी लोग, इतने लोग हम लोग जा रहे हैं, और ड्राइविंग मेरे भैया कर रहे हैं, गाड़ी हमारी खुद की ही है. और बस हम लोग कुछ देर में बस पहुंचने वाले हैं. और यहाँ पर अभी जो है वो काम चल रहा है डैम का, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर बता रहे थे कि एयरपोर्ट वगैरह बनने, बहुत कुछ अभी यहाँ पर काम बाकी है. और बस हम लोग निकल रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट है हम लोगों के अंदर कि बस स्टैचू दिख जाए. इतना ऊंचा स्टैचू है तो अब तो बस दिख जाना चाहिए, इस तरीके की हम लोग देख रहे हैं. और ये जो आपको पानी दिख रहा है, पुल है, ये नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी का पानी था वो. बस हम लोग कुछ देर में पहुंचने ही वाले हैं. एक्चुअली वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर आप जाओ तो 1 से 1.5 घंटे ही लगते हैं, कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती है. ये हमारे घर के नज़दीक ही है. तो अब हम लोग निकल रहे हैं और पहुंचने वाले ही हैं बस. और वहाँ जो कुछ भी होगा, सारा सब कुछ मैं आपको शूट करके बताऊंगी और सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी. तो चलते हैं, देखते हैं वर्ल्ड्स फेमस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. अभी मुझे यूपी से आए 2 दिन हुए हैं, और तीसरे दिन हम लोग यहाँ निकल गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को यूपी में बहुत काम है. इसी चक्कर में हम लोग जल्दी से जल्दी, हो सके उतनी जल्दी हम लोग घूम रहे हैं, क्योंकि उनको रिटर्न भी जाना है. और मैं यहाँ पर कुछ दिन रहूँगी, और जहाँ जहाँ भी मैं घूमने जाऊँगी वो सारी प्लेस मैं आपको व्लॉग टाइप में ज़रूर दिखाऊँगी.
और इस टाइम भैया ढूंढ रहे हैं कि पार्किंग कौन सी जगह पे है, क्योंकि पार्किंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो भैया बोल रहे थे पहले पार्किंग कर दें, उसके बाद फिर निकलते हैं स्टैचू देखने आराम से। और अब देख रहे हैं कहाँ, किससे पूछें कि पार्किंग कहाँ है। तो और यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस खड़े हैं वो इंक्वायरी ले रहे हैं हमारी और पूछ रहे हैं कि टिकट वगैरह सब दिखाना पड़ता है यहाँ पर। तो और भैया भी इनसे कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि पार्किंग कहाँ की जाती, कैसे की जाती, सारे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं पार्किंग के बारे में। फ़िलहाल पता चल गया है कि पार्किंग कहाँ करनी है और अभी और थोड़ी आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद सारा सब कुछ पता चलेगा, इसलिए हम लोग और आगे निकल रहे हैं। अब देख सकते हो कितनी अच्छी वादियाँ दिखाई दे रही हैं सामने, बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है, बहुत क्यूट क्यूट वादियाँ लग रही हैं ऐसी जगह पे, और वो भी इस टाइम पे जाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम पे ना तो ज़्यादा ठंड है और ना ही तो ज़्यादा गर्मी है। तो ये मैं आपको वादियाँ दिखा रही हूँ, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही हैं, एकदम नेचुरल है ना जहाँ, और इस जगह पे जाना, ऐसी नेचुरल जगह पे जाना बहुत अच्छा लगता है, वो भी फैमिली के साथ। और यहाँ से अब आपको स्टैचू दिखना शुरू हो गया होगा, आपको दिख रहा होगा वो सामने जो बड़ा सा टावर दिख रहा है, वहीं के उसी के साइड में स्टैचू दिख रहा है। और यहाँ पर हम लोग अभी रुक गए हैं, यहाँ पर PRO ऑफिस है और यहाँ पर भी ये लोग पूछते हैं, और पापा को भी कुछ काम था क्योंकि यहाँ पापा के फ्रेंड हैं, उन्होंने ही बताया, तो उनकी ही वाया हम लोग देख रहे हैं। और भैया पूछ रहे हैं किस तरीके से कहाँ पर जाना है कैसे, तो और फिर पूछने के बाद पता। और ये जो आपको डैम दिख रहा है सामने, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ये नर्मदा डैम है, यहाँ पर भी हम जाने वाले हैं, यहाँ पर भी हम लोग विज़िट करने वाले हैं। तो अभी कुछ काम चल रहा है, कुछ हो गया है, अब आप देख सकते हो, देखिए स्टैचू कितना परफेक्ट दिख रहा है। ये इसलिए नहीं दिख रहा था, भैया बता रहे थे कि थोड़ी गहराई में बना हुआ है, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा ऊंची प्रतिमा है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की।
और बस अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और सब लोग आ रहे हैं। और पहले मैं वीडियो में नहीं आ पाई और काफ़ी जगह मैं आपको नहीं दिखूँगी, क्योंकि जो सारा जो कुछ भी शूट हो रहा है वो मैं ही कर रही हूँ इसलिए। और हम लोग अंदर एंटर हो गए हैं, काफ़ी दूर तक चल के जाना पड़ता है लेकिन पता नहीं चलता है इतनी इतनी दूरी कैसे निकल गई, क्योंकि बहुत कुछ इतना इंटरेस्टिंग है ना देखने को कि आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि ऐसी जगह पे आने से क्या होता ना, मोटिवेशन मिलता है हमें और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। यहाँ पर बसें भी अवेलेबल हैं, अगर आप बस से आना चाहो तो वो भी अवेलेबल है। स्पेशल सरदार आपको दिख रहा होगा, वो एक बस खड़ी है सामने, स्पेशल इनके लिए ही इसी प्लेस के लिए बनाई हुई है। और बस अब हम लोग पहुँच गए हैं, श्रेय भी बहुत एक्साइटमेंट है उसके अंदर और वो काफ़ी एंजॉय कर रहा है और सब लोग सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसी प्लेस पर जाएं और सेल्फी ना लें ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वे है, क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक वे, तो यहाँ पर चलना नहीं पड़ता है तो आपको ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं होगी, आराम से जा सकते हो आप। और श्रेय देखिए कितना एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसी जगह पे चलना बहुत अच्छा लगता है, तो वो अपने डैडी के साथ जा रहा है, एंजॉय कर रहा है। और मम्मा को दिक्कत होती है तो वो बाहर के साइड से आई हुई है, होता है किसी किसी को प्रॉब्लम होती है साड़ी वगैरह पहनने में। और ये हम ऊपर प्रतिमा है और उसके अंदर जाने के लिए हम गैलरी में एंटर हो रहे हैं और यहाँ पर पापा डांट रहे हैं, बोल रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो नहीं तो फिर शो निकल जाएगा। और आप देख सकते हो, मैं आपको सारा नज़ारा यहाँ पर बता रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है। ये हम लोग प्रतिमा के अंदर एंटर हुए हैं और अंदर का नज़ारा, गैलरी का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये देखिए, एक उनकी अंदर बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, यहाँ पर उनके बारे में सारा सब कुछ बताया हुआ है, इमेजेस लगी हुई हैं। और अंदर जाते एक बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। श्रेय सब कुछ पूछ रहा है पापा से, पापा ये क्या है सब कुछ, उसको लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे ले जाना, आप भी अपने बच्चों को जरूर ले जाइए। ये है थिएटर, थिएटर में उनके बारे में बचपन से लेके अभी तक जो भी जर्नी रही हुई थी उनकी वो सारी बताएंगे, अगर आप थिएटर में जाना चाहो तो। लेकिन हम लोग नहीं गए हैं, फटाफट से ऊपर जा रहे हैं हम लिफ्ट के वाया, क्योंकि फिर देर हो जाएगी, शो चालू हो जाएगा तो फिर कुछ कुछ आप नहीं देख पाओगे। तो अभी हम लोग लिफ्ट खुलने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों को जाना है व्यूइंग गैलरी के साइड। व्यूइंग गैलरी में बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। फिलहाल हम लोग लिफ्ट लॉबी में खड़े हुए हैं और लिफ्ट खुल चुकी है, सब लोग निकल रहे हैं वहाँ से और हम लोग एंटर हुए हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं स्पेशली। लिफ्ट से तो हम बाहर निकल आए हैं और ये हम आ गए हैं व्यूइंग गैलरी के साइड। ये है व्यूइंग गैलरी और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पर आपको गैलरी के बाहर दिखाती हूँ कितना अच्छा नज़ारा है।
देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, पानी है हल्का हल्का, बहुत एकदम नेचुरल लुक आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सामने जो है वो सरदार सरोवर डैम है, इसको नर्मदा डैम भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, उनका उनका बहुत सारा जीवन के बहुत सारे पल इसी जगह पे बीते हुए हैं, इसलिए सरदार सरोवर डैम भी बोलते हैं इसको। अब हम लोग एग्ज़िट हो रहे हैं, लेकिन एकदम एग्ज़िट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको उनकी प्रतिमा दिखाऊंगी, स्टैचू दिखाऊंगी कि कितना ऊंचा है। जो व्यूइंग गैलरी थी ना, उसके अपोजिट साइड ये एक और गैलरी है जिससे हम बाहर निकल के देख सकते हैं उनकी प्रतिमा। तो आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए हमारे साथ। देखिए ये जगह आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, पानी एकदम गोल्डन गोल्डन लग रहा है, सनसेट हो रहा है, शाम का टाइम है, और कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत क्यूट सी जगह लग रही है। मुझे ये जगह सबसे अच्छी लगी है, वो भी इस टाइम पे। और यहाँ मैं आपको स्टैचू दिखा रही हूँ, ये पत्थर की बनी हुई नहीं है, बिल्कुल भी पत्थर की बनी हुई नहीं है, ये कांसा होता है ना, कांसा उसकी बनी हुई है, और 182 MTA इसकी ऊंचाई है, और ये वर्ल्ड फेमस स्टैचू है, इससे ऊंचा स्टैचू कहीं भी नहीं है, वो अपने इंडिया में है। सो प्लीज़ आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये एक बहुत गर्व की बात है, जो ये जो प्रतिमा है वो हमारी इंडिया में है। तो एंजॉय कीजिए यहाँ पर आके। और देखिए श्रेय फ़ोटो खिंचवा रहा है पापा से, बोला नाना हमारी फ़ोटो खींचो, तो नाना फ़ोटो ले रहे हैं श्रेय की वो बहुत एंजॉय कर रहा है, बहुत खुश है। तो बच्चे यहाँ पर आके बहुत एंजॉय करने वाले हैं, और आपको भी कम एंजॉय नहीं मिलने वाला है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर इतना प्राउड फील करने वाली बात है, इतनी गर्व की बात है, तो आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, आपको एक मन को शांति सी मिलती है, नेचुरल जगह के साथ साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं, धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो कुछ भी दिन का नज़ारा था वो हमने देख लिया है, और नाइट शो हम लोग बाद में देखेंगे। और देखिए अभी हम सब लोग इकट्ठे होके और फिर निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और अब हम लोग बाहर आ गए हैं, क्योंकि वहाँ का सब कुछ हमने देख लिया है। तो ये तो था दिन का नज़ारा, अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, और इस तरीके का वे है बाहर जाने के लिए भी, ऐसा नहीं है कि अंदर आने के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक वे, बाहर भी आप इलेक्ट्रॉनिक वे से आ सकते हो। जिन लोगों को, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, एजेड लोग हैं, उनको चलने में तकलीफ़ होती है, तो वो ये वाला वे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हिनल अभी भी सेल्फी ले रही है, उसका मन अभी भी नहीं भरा है, वो अभी भी फ़ोटोज़ ले रही है, और श्रेय भी काफ़ी एंजॉय कर रहा है। और ये हमने कुछ पिक्स ली थी वहाँ पर, ये वो पिक्स हैं जो आप देख सकते हो, तो सारी तो नहीं डाली, लेकिन कुछ कुछ जो मेन पिक्स थी वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई हुई है। और अगर आपको इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया नाइट शो भी यहाँ पर अवेलेबल है, सरदार सरोवर डैम हम लोग देखने जाने वाले हैं, अगर आपको सरदार सरोवर डैम भी देखना है और नाइट शो का भी आपको वीडियो देखना है, तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि मैं कल आपको इसका वीडियो अपलोड करके ज़रूर बताऊँगी। ये है कुछ नाइट शो का नज़ारा, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ की लाइटिंग है, लेज़र शो भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो सारा सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।